हरिओम साहिब टुडे समाचार में आपका स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कक्षा पांचवी से दसवीं में पढ़ाई कर रहे सभी सिख छात्र छात्राओं से इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि आने वाली 11 फरवरी के दिन साहबजादा अजीत सिंह जी के जन्म दिहाड़े को समर्पित एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा पांचवी से दसवीं तक के विद्यार्थी सहभागी हो सकते हैं। इस प्रतियोगिता का विषय है साहबजादों के संस्कार। यदि श्री दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो अपने साहबजादों को संस्कार प्रदान किए और जिसके कारण ही दो साहबजादों ने युद्ध में वीरगति प्राप्त की और दो साहबजादे धर्म पर अड़िग रहकर दीवार में चुनवाए गए, इन ऐतिहासिक घटनाओं के प्रचारित करने के माध्यम से और विद्यार्थियों में कला गुण विकसित करने के माध्यम से उस उद्देश्य से ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं सभी अभिभावकों, माता पिता और अध्यापक अध्यापिकाओं से एवं मुख्याध्यापक एवं प्राचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि वे विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में सहभागी होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें समय पर प्रतियोगिता में भेजने का कष्ट करें। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को नकदी 2100 रुपए, विशेष ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी को नकदी 1000 रुपए और ट्रॉफी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। उसी प्रकार से तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को या प्रतिभागी को नकदी 700 रुपए, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही जितने भी विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में भाषण कला अवगत हो, उनमें माइक पर बात करने की क्षमता पैदा हो, वो अच्छे से कार्यक्रमों का संचालन कर सके, भाषण दे सके और अपनी मंशा कहकर सुना सके। आने वाला युग जो अभी से प्रारंभ हुआ है, जिसे डिजिटल युग कहते हैं, उस डिजिटल युग में उस व्यक्ति के सफलता के पूरे चांसेस है जो बोलने में या अच्छी भाषा कहने में समर्थ हो। यदि आपका बाल्य विद्यार्थी भाषण क्षमता में सक्षम होकर किसी उपलब्धि को प्राप्त करता है तो उसका सारा श्रेय आप ही को मिलेगा। इसलिए इस प्रकार की भाषण प्रतियोगिताओं में बच्चों को भेजे हुए अपील करता हूँ। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।